Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है और अब इंतजार है कि नतीजे आएंगे। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या कहता है एग्जिट पोल, खास करके बिहार की जो 40 सीटें हैं उसमें से एक सीट है मुंगेर लोकसभा की सीट। मुंगेर लोकसभा की सीट कहें तो लोकसभा चुनाव के दौरान काफ़ी चर्चा में रही। चर्चा में इस वजह से क्योंकि इस सीट से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जहां उम्मीदवार थे, वहीं उनके सामने आरजेडी ने अनीता देवी को उम्मीदवार बनाया। अनीता देवी का एक परिचय ये है कि वो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी। लोकसभा चुनाव के नामांकन से ठीक कुछ दिन पहले ही अशोक महतो ने शादी की और शादी करके सीधे पहुंचे लालू यादव के आवास पर, जहां कहें तो आशीर्वाद के तौर पर उन्हें आरजेडी का सिंबल दिया गया और चुनावी मैदान में कूदी अनीता देवी। इस चुनाव में तड़का तब लगा जब अनंत सिंह भी बाहर आए पैरोल पर, चूंकि मोकामा विधानसभा क्षेत्र जो है और अनंत सिंह का गांव लदमा वो मुंगेर लोकसभा के अंदर ही आता है। पैरोल पर बाहर आने के बाद ये सीधी लड़ाई दो बाहुबलियों की, अनंत सिंह वर्सेस अशोक महतो। खैर, अब बात लोकसभा चुनाव की, किस क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव कैसा हुआ। अगर मुंगेर लोकसभा चुनाव की बात करें तो मुंगेर लोकसभा चुनाव में जातीय गोलबंदी काफ़ी ज़्यादा दिखी। इसमें एक पेच ये भी था, अशोक महतो खुद कुर्मी जाति से आते हैं, वहीं इनकी पत्नी अनीता देवी धानुक जाति से आती है। अब जो वोट था ये वोट एनडीए के साथ इंटैक्ट रहता था, लेकिन इस बार इसमें टूट हुई और 50% वोट छिटक गया। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान अनीता देवी ने लगातार जो है वो क्षेत्र में डटी रही शादी के बाद। अनंत सिंह भी पैरोल पर जब बाहर आए तो वो भी अपने घर पर बैठे रहे, लोगों से मुलाकात करते रहे। वहीं ललन सिंह ने इस क्षेत्र में नीतीश कुमार, चिराग पासवान सब ने चुनाव प्रचार किया। लेकिन जिस भूमिहार वोट की बात करें तो वो भूमिहार वोट एक साथ जाता हुआ दिखा। उसके पीछे की एक वजह भी थी, यहाँ पर कुछ भूमिहार लोग जन ये कहें कि वोटर जेडीयू के ललन सिंह से नाराज़ थे, लेकिन अनीता देवी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद वो नाराज़गी भी दूर होती दिखी। वो भले ही नाराज़ हों, लेकिन चूंकि आरजेडी की तरफ से अनीता देवी उम्मीदवार थी इसलिए एकमुश्त वोट वहाँ चला गया है। पिछली बार जितनी बड़ी अंतर से ललन सिंह चुनाव जीते थे, बिहार तक का एग्जिट पोल कहता है कि इस लोकसभा का चुनाव भी लगभग उतने ही मतों के अंतर से ललन सिंह जीत सकते हैं। हालांकि वोटिंग प्रतिशत कम है, लेकिन बड़ी बात ये कि हमारे रिपोर्टरों का एग्जिट पोल कहता है कि बिहार में मुंगेर लोकसभा की सीट से ललन सिंह को एज मिल रहा है। अनीता देवी अंतिम में चुनावी मैदान में उतरी, अशोक महतो ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ललन सिंह काफ़ी भारी दिखे। हालांकि यहां कोशिश की गई कि बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड का पूरा चुनाव हो जाए, हालांकि उसमें सेंधमारी तो हुई लेकिन बड़ी टूट नहीं हो पाई और ललन सिंह का बूथ मैनेजमेंट भी काम कर गया है। यानी कि बिहार तक के एग्जिट पोल में मुंगेर लोकसभा की सीट जेडीयू जीत रही है और जेडीयू के उम्मीदवार ललन सिंह एक बार फिर से चुनाव जीत रहे हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और हर एक सीट का एग्जिट पोल और चुनाव के दिन चुनाव परिणाम देखने के लिए देखिए सिर्फ बिहार तक। नमस्कार।